दोस्तों, क्या आपके WhatsApp में इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स या फिर मैसेजेस आ रहे हैं जिसके प्रोफाइल में एक सुंदर लड़की की फोटो लगी है और जिसे देखकर तुम ये सोच रहे हो कि लड़की तुम्हारी दीवानी बन चुकी है? ऐसा नहीं है, ये स्कैमर्स हैं और ये नए तरीके इजाद कर रहे हैं तुम्हारे अकाउंट को पूरा साफ करने में, बैंक अकाउंट को पूरा साफ करने में। इसके साथ साथ इनसे सतर्क रहो। तो इस वीडियो में मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि हैकर्स किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट्स को पूरी तरीके से सफरचट करने में लगे हैं। इसके साथ साथ 5 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिसको करके आप अपने व्हाट्सएप को हमेशा के लिए सिक्योर रख सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर इसे कहीं भी स्किप करोगे तो हो सकता है कल तुम्हें पछताना पड़े। तो कहीं स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, और अच्छी लगी मेरी इंफॉर्मेशन तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में जरूर जाना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आजकल हम सब के मोबाइल्स के व्हाट्सएप में अक्सर इंटरनेशनल नंबर्स जैसे +1, +7, +66 से कॉल्स या फिर मैसेजेस आती हैं जहां ये लिखा जाता है हाउ आर यू, एक नया बिजनेस प्लान, डू यू वांट टू हैव अ न्यू बिजनेस प्लान, अर्न मोर मनी, और इसमें प्रोफाइल में अक्सर एक सुंदर लड़की की फोटो लगी रहती है जिसे देखकर बहुत ये सोचते हैं कि हो सकता है ये सुंदर लड़की तुम्हारे प्यार में फंस गई हो और तुम्हारे साथ कोई बिजनेस या लव मैटर करना चाहती हो। दोस्तों नहीं, गलती से भी ये गलती मत करना, उसके साथ किसी तरह का चैट मत करना। अगर तुम्हारे पास ऐसा फोन कॉल या फिर ऐसा मैसेज आ रहा है तो तुरंत उस नंबर को ब्लॉक करो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। दूसरा जो स्कैमर्स तरीका इजाद कर रहे हैं वो है जॉब स्कैम का। अक्सर हमारे मोबाइल्स में मैसेज आते हैं कि ये जॉब्स हैं, आप ये जॉब लें तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप ये काम कर दें तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। इस चक्कर में भी गलती से भी मत फंसना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें थोड़े मोड़े पैसे देकर, जॉब रिवॉर्ड्स देकर, मान लो तुम्हें 100 रुपए 200 रुपए देकर तुम्हारा भरोसा जीतेंगे, इसके बाद ये बहुत बड़ा स्कैम करेंगे, तो इससे भी तुम सतर्क रहो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 57 करोड़ का स्कैम हुआ था, वो भी व्हाट्सएप से? वो कैसे? वो अगला पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर ये हैकर्स क्या करते हैं कि आपके दोस्त बनकर आपको मैसेजेस करते हैं, आपके फ्रेंड्स बनकर या जो आपके वेल विशर्स हैं मैसेजेस करते हैं और ये कहते हैं कि भैया मोबाइल गुम गया है, 6-डिजिट कोड भेज रहा हूं, वो कोड तुम मुझे भेजो। जब आपके मोबाइल में 6-डिजिट कोड आता है, जब आप उनको भेजते हैं, इतने में वो सारी आपकी जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट्स को क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारा अक्सर हम एक ही नंबर यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो हमारे बैंक अकाउंट्स और व्हाट्सएप से कनेक्ट होता है। यानी अगर हल्की सी भी प्राइवेसी लीक हुई तो सारा इंफॉर्मेशन हमारा लीक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास अननोन नंबर से कॉल से मैसेज आते हैं, जॉब से कोई भी ऑफर्स आते हैं, हाय मम, हाय फ्रेंड या ऐसा कोई भी मैसेज आता है, दोस्तों इसे गलती से भी उस लिंक पर क्लिक मत करो, उसको कोई जवाब मत कर दो, और सिंपली एक ही उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि उस अकाउंट को जल्दी से ब्लॉक कर दो, उससे कोई बात मत करो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्कैमर्स आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस का इतना बड़ा एक अकाउंट बन चुका है। 1.2 बिलियन लोग दुनिया भर में व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, जिस कारण अब ट्रेडिशनल SMS को छोड़कर अब स्कैमर्स भी इस दौर पर आ गए हैं। जो लोग मेरे भाई एडमिन है, ये जो व्हाट्सएप यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो देखते होंगे अक्सर ग्रुप्स में कुछ लोग ऐड होते हैं +1, +2, 3, 4 नंबर से और फिर वो छोड़ जाते हैं। वो छोड़ इसलिए जाते हैं दोस्तों कि वो सारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों को पर्सनल मैसेजेस भेजे जाते हैं ताकि उन्हें स्कैम की तरफ ल्योर किया जा सके, उनके बैंक अकाउंट को साफ किया जा सके। तो इस बात पे भी मेरे एडमिन भाई बहुत ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई ग्रुप में आता है तो उसे तुरंत रिमूव करें, उसे ब्लैकलिस्ट करें, और ग्रुप्स के मेंबर्स को भी ये सलाह दे दें, उन्हें अलर्ट कर दें कि ये गलती मत करें उन्हें रिप्लाई करने की, क्योंकि दुर्घटना जब घटेगी, जब सावधानी हटेगी, इससे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे स्कैमर्स कोशिश कर रहे हैं आपके अकाउंट्स को हैक करने की, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इससे बचा कैसे जाए। 5 ऐसी सेटिंग्स जो अपने व्हाट्सएप में करें जिससे आपका अकाउंट पूरा सेफ हो जाए। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है इन नंबर्स को ब्लॉक करना है। जैसा मैंने कहा, 1 पॉइंट, नंबर्स को ब्लॉक करो। अगर इंटरनेशनल नंबर से तुम्हें कोई भी मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, इसे तुरंत ब्लॉक करो, इसके लिंक पर भी क्लिक मत करो, इसे तुरंत ब्लॉक करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये जो इंटरनेशनल नंबर है ये कहीं से आ रहा है, किसी देश से आ रहा है जिस कंट्री का ये कोड है, तो तुम गलत हो, क्योंकि व्हाट्सएप VIPN कोड के तहत काम करता है, जिसके तहत हो सकता है कि तुम्हारा पड़ोसी ही इंटरनेशनल नंबर लेके तुम्हें कॉल कर रहा हो और तुम्हें पता भी ना चले। और व्हाट्सएप की अगर आप एक खासियत कह लो वो ये है
ये एंड टू एंड इसके कॉल्स और मैसेज इंक्रिप्टेड हैं, यानी कोई उन्हें डिकोड नहीं कर सकता है। अब ये कॉल्स कहां से आ रही समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इंटरनेशनल कॉल्स जैसे ही आए इसे ब्लॉक करो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग तुम्हें बताता हूं वो है प्रोफाइल सेटिंग में अपनी फोटो को हमेशा विजिबल करो उन लोगों को ही जिनको तुम जानते हो, यानी तुम्हारे फ्रेंड्स को, यानी तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम्हारी प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं और कोई तुम्हारी प्रोफाइल फोटो नहीं देख सकता है। अब तुम कहोगे यार प्रोफाइल फोटो में ऐसा क्या रखा है, फोटो है देखने तो क्या जाता है, हम कौन सा यार अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है या हमारी फोटो से फर्क पड़ेगा, तो तुम गलत हो दोस्त। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल फोटो को अगर तुम गूगल इमेजेस में जाके सर्च करोगे या फिर फेसबुक और लिंक्डइन में वो जाके सर्च करेंगे तो उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हारे बारे, यानी वो तुम्हारे सोशल स्टेटस के बारे बहुत कुछ जान सकते हैं। तो तुम्हारी फोटो बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी फोटो को प्राइवेट रखो, उन लोगों तक ही रखो जिन्हें तुम जानते हो। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो है ग्रुप सेटिंग्स। अपनी ग्रुप सेटिंग्स को कुछ ऐसी रखो कि तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी तुम्हें किसी भी ग्रुप में ऐड ना कर पाए, उसको इस तरीके से अपनी प्राइवेट सेट कर रखो, ऐसी प्राइवेसी रखो कि ग्रुप सेटिंग्स तो तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें कोई भी नए ग्रुप में ना ऐड कर पाए। तो ये भी बहुत जरूरी स्टेप है अपने आप को बचाने के लिए। चौथा जो स्टेप है टू सेट्स सिक्योरिटी चेक, टू सेट्स ऑथेंटिसिएशन। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारा जो बिजनेस अकाउंट है उसमें टू स्टेप ऑथेंटिसिएशन एक फैक्टर है। तुम जाके जब अकाउंट में आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, वहां पर आपका कोड लिया जाता है, वहां पर आपकी ईमेल आईडी ली जाती है। अगर इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई हैकर आपके अकाउंट तक पहुंचना भी चाह रहा है तो उसे ये टू स्टेप सिक्योरिटी कोड मारना होगा, जो कि बहुत आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास है, किसी के पास है नहीं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जिसको बोलते हैं, ये वेरिफिकेशन कोड इस बात से बचाएगा कि तुम्हारा अकाउंट कहीं हैक ना हो जाए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड भी अपने मोबाइल में ऑन करके रखो, अपने व्हाट्सएप में ऑन करके रखो, जिसे बचाया तुम्हारे डिटेल्स को बचाया जा सके। चौथी जो सेटिंग है वो है टू कोड्स वेरिफिकेशन, यानी आपके व्हाट्सएप में टू स्टॉप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, उसमें कोड होता है, इस कोड की मदद से आप अपने व्हाट्सएप को खोल सकते हैं। जाहिर तौर पर किसी दूसरे को तो ये कोड पता नहीं है तो वो इस कोड को खोल नहीं पाएगा और वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट। पांचवा है डिसअपीयरिंग मैसेज ऑप्शन। देखिए व्हाट्सएप एक ऑप्शन दिया है जिसमें आपके मैसेजेस डिफॉल्ट कुछ दिन बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। हालांकि आपके मैसेज चिंता मत करिए इंक्रिप्टेड है, सेफ है, इसके बावजूद अगर आप डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन रखते हैं तो इससे फायदा यह है कि अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है तो वो कुछ दिन बाद अपने आप डिफॉल्ट हो जाएगी, जिससे कोई दूसरा बंदा इस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर पाएगा। लास्ट एक और बोनस देता हूं, हालांकि पांच बोले थे मैंने पॉइंट्स, लेकिन छठवां बता रहा हूं। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी कोड। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में सिक्योरिटी कोड ऑन है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नए लैपटॉप या किसी भी नए मोबाइल फोन या किसी भी नए डिवाइस से अगर आपको व्हाट्सएप खुलता है तो आपके पास भी कोड जाएगा और जो बंदा इसे खोल रहा है उसके पास भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, दोनों के पास एक नोटिफिकेशन आएगा। यानी आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई शख्स आपके अकाउंट को खोल रहा है और इसे आप तुरंत बंद कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते वो अकाउंट खोले और सेफ रख सकते हैं। तो ऐसे पांच नहीं, मैंने आपको छह पॉइंट्स बताए हैं जिसका यूज करके आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल इतना यूज होता है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि दुनिया में 1.2 बिलियन लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जरिया बन चुका है हमारे बिजनेस का। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो बैंक अकाउंट है, वो पूरी तरीके से सेफ रख पाए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, एक कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। फिर मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।